अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे, उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। ये वाला लुक जो आप लोग देख रहे हो, इसका मेकअप लुक किस तरह से क्रिएट किया था मैं आप लोगों को सब कुछ बता चुकी हूँ। कौन सी बेस लगाई थी, लिप कलर, एवरीथिंग जो है ना मैं बता चुकी हूँ। अगर वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी। तो यहाँ पर आते हैं अपने हिजाब की तरफ और अपने ईद लुक के हिजाब की तरफ आते हैं। मतलब ये ईद स्पेशल है, आप लोग ईद पर इस तरह से बना सकते हो। यहाँ पे दो इनर कैप मैंने इसलिए लगाई क्योंकि मैं जो है ना खुले सर नहीं आ सकती, तो इनर कैप मैं वैसे ऑलरेडी लगाई हुई थी। इसके बाद जो है ना मैंने ब्राउन कलर का इनर कैप लगाया है, सही है। और उसके बाद जो है ना इसको अच्छे से हम लोगों ने फिक्स कर लेना है अपना। अच्छा, इसके बाद जो आप लोगों में एक बात बताती चलूँ, मतलब बाज़ार में कोई भी हिजाब की ज्वेलरी वगैरह या कोई भी इस तरह की एसेसरीज नहीं मिलती हैं। तो यहाँ पर जो ये चेन मैं लगा रही हूँ, ये कौन सी चेन है ये भी आप लोगों में सारी डिटेल बताती चलूँ कि ये जो है ना मेरा हैंड ब्रेसलेट है, बहुत ही बारीक सा, नाजुक सा, जिस पर छोटे 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 स्टार्स बने हुए हैं। कोई भी हम लोगों ने बड़े बड़े फूलों वाला ब्रेसलेट इस तरह का जो है ना, हम लोगों ने कोई हैवी काम वाला ब्रेसलेट नहीं लेना। हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा एक बारीक डिसेंट सा छोटे छोटे काम या छोटे छोटे पर्ल लगे हुए हो या इस तरीके का जो है ना बहुत ही कोई नाजुक सा ज्वेलरी हो, वो हम लोगों ने अपने फोरहेड पे इस तरीके से मैंने इसको कवर कर लिया। अपने इनर कैप पे जो है ना दोनों साइड पे पिन लगा लेनी है। एक साइड पर जो है ना मैंने सेफ्टी पिन लगाई हुई है, थोड़ा सा मैसी लग रहा होगा लेकिन वैसे भी ये हिजाब में छुप जाएगा, तो इसकी बात की तो हम लोगों ने टेंशन लेनी ही नहीं है। तो इसके बाद आते हैं हम अपने हिजाब पर। तो यहाँ पर जो हिजाब है मैंने अपने सूट के अकॉर्डिंग मतलब मैचिंग का लिया है, पर्पल कलर का, और इसके साथ साथ जो है ना इस पर गोल्डन कलर का डिस्को लगा हुआ है जो कि मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करके अपने घर बैठे बैठे मंगवाया था। तो ये काफ़ी अच्छा परफेक्ट मैचिंग का जो है ना मुझे मिल गया था हिजाब। अच्छा जी, इसके बाद जो है ना इसको हम लोगों ने एक साइड पे थोड़ा शॉर्ट रखना है और एक साइड पे थोड़ा सा मतलब काफ़ी लॉन्ग रखना है, ठीक है। जो और इसके मतलब मैंने अपने हर हिजाब ट्यूटोरियल के अंदर अपने हिजाब को फोल्ड कर रही होती हूँ और ऊपर जो एक समोसा टाइप का जो है ना उसका नोक बना के उसको अपने सर पर बिठाती हूँ। लेकिन इस हिजाब में बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि इस हिजाब को जो है ना फोल्ड करके इसकी नोक बनाया जाए, इसके अंदर वैसे ही नोक बन जाएगी। मतलब इसको हम बिल्कुल अपने सेट करेंगे और उसके बाद जो है ना पिन की हेल्प से इसका नोक बना देंगे। अच्छा जी, अब बात करते हैं हम इसकी फैब्रिक की। तो यहाँ पर जो है ना ये फैब्रिक मैं शेफून का यूज़ कर रही हूँ और इसके अंदर जो है ना ये काफ़ी शिमरी शेफून आप लोग कह सकते हो कि मतलब अगर आप लोगों ने ईद के अकॉर्डिंग अगर लेना है या अगर किसी पार्टी वेयर के हिसाब से लेना है तो आप लोग जो है ना इसके अंदर फैब्रिक आप लोगों में बता दूँ कि कौन कौन से फैंसी फैब्रिक होते हैं। एक रिंकल्स वाला होता है, एक सिल्क होता है और दूसरा एक होता है शेफून वाला, जॉर्जेट होता है और काफ़ी सारे इस तरह के फैब्रिक्स होते हैं, लेकिन लॉन वगैरह जो होती है वो फैंसी वेयर में नहीं आ रही होती। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो है ना मैंने अपने चिन की तरफ अच्छे से पिन लगा के इसको कवर अप कर लेना है। उसके बाद जो है ना थोड़ा सा बैक साइड से अपने हिजाब को लेकर उठाकर यहाँ पर जो है ना थोड़ा मैं क्रॉस लाइन में इसकी लेयर बनाऊंगी, ठीक है। इसको अच्छे से लेयर बनाना है क्योंकि हम लोगों ने अपने हिजाब के ऊपर एक और ज्वेलरी सेट करनी है, वो भी क्रॉस लाइन में हम लोग जो है ना इसको सेट करेंगे। इसलिए मैं इसको क्रॉस लाइन में ही इसकी लेयर पहले सेट करूंगी, उसके बाद इसके ऊपर ज्वेलरी सेट करूंगी। मेरे आप फॉरहेड पे देख सकते हो कि कितना बारीक सा एक चैन लगाया हुआ है और बारीक सा और बहुत ही कोई प्यारा फैंसी सा ज्वेलरी मैंने लगाया हुआ है और इतनी ज़्यादा कोई मतलब वो अजीब भी नहीं लग रही, ठीक है ना। लेकिन जब मैं अपने हिजाब के ऊपर जो लगाऊंगी ज्वेलरी, वो भी मेरा हैंड ब्रेसलेट है लेकिन वो थोड़ा सा चौड़ा और बहुत छोटे 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 काम हुआ हुआ है इस पर ना, और वो मैंने पिछले साल लिया था। मतलब अपने सूट के अकॉर्डिंग गोल्डन और पर्पल सूट है मेरा, पर्पल मैंने अपना हिजाब ले लिया और गोल्डन मैंने अपनी ज्वेलरी ले ली है क्योंकि हिजाब वाली जो लड़कियाँ होती हैं वो अपनी ज्वेलरी को ज्वेलरी वाले शौक़ पूरे नहीं कर सकती है इतने ज़्यादा कि वो एयररिंग्स कभी कभार उनको स्किप करने पड़ते हैं, कभी कभार उनको अपने जो होता है नेकलेस स्किप करना पड़ता है। तो इसलिए जो है ना मेरा हिसाब किताब कुछ इस तरीके से रहता है कि मैं अपनी वॉच पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ, अपनी रिंग्स पे, या इस तरीके से जो है ना आप लोगों को हिजाब की कोई भी ज्वेलरी वगैरह नहीं मिलेगी कि आप हिजाब वाले की दुकान पे जाकर उसको बोले कि हिजाब की कोई ज्वेलरी दे दे, तो नहीं वो नहीं देगा। आप लोगों को अपनी ही घर की ज्वेलरी के हिसाब से जो है ना वो अपने हिजाब का डिज़ाइन बनाना पड़ेगा, मतलब इस तरह से स्टाइल देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है ना मतलब ये हिजाब जो है बिल्कुल एक सादा सा कपड़ा था, मतलब इस पर शिमरी जो है ना एक डिस्को लगी हुई थी गोल्डन कलर की। तो यहाँ पर जो है ना इसको बिल्कुल मैं इस तरह से ज्वेलरी लगा दूंगी और इसको बिल्कुल ऐसा सेट कर लेंगे कि ऐसा लगेगा कि ये जो हिजाब है ना मेरा हिजाब के ऊपर ही ये काम हुआ हुआ है। और ये फिर लोग पूछेंगे कि हिजाब आपने कहाँ से लिया, ये इतना प्यारा हिजाब इसके ऊपर जो है ना इस तरीके से काम हुआ हुआ है। लेकिन आप लोगों को फिर ये सारी सीक्रेट्स सारी चीज़ें हैं कि आप लोगों को ही पता होगा कि आपने ज्वेलरी इस पर सेट किया हुआ है। अच्छा जी, तो इसको ना बिल्कुल अच्छे से सेट कर लेंगे और उसके बाद जो है हम लोग इसको पिन वगैरह से मतलब मैं हिजाब पिन जो होती है वो पिन इसमें बहुत इजीली लग जाती है, जो ब्रेसलेट वगैरह होते हैं
घड़ी वगैरह मत लगा लेना। अच्छा जस्ट किडिंग। अच्छा जी अब आते हैं हम अपने हिजाब की तरफ। तो यहाँ पर जो है ना इसकी मैं एक और लेयर उठाऊंगी ताकि जो है हमारे ब्रेसलेट के ऊपर जो हम लोगों ने पिंस वगैरह लगाई थी वो थोड़ा सा मैसी ना लगे और उसको हम अच्छे से हाइड कर लेंगे, छुपा लेंगे इसकी जो है ना, अच्छे से सफाई से जो है ना अपने हिजाब को बांध देंगे तसल्ली से बैठ के। अच्छा जी ईद वाले दिन आप लोग किस तरह का लुक देने वाले हो, इस तरह से आप लोग जो है ना ज्वेलरी वेयर कर सकते हो अपने। एक अगर आप लोग फोरहेड पे लगा रहे हो और नहीं चाहते हो कि आपके हिजाब पे लगाओ तो फिर हिजाब पे मत लगाना, आपकी मर्ज़ी है। मैंने आपको यहाँ पर दोनों चीज़ें करके दिखा दी हैं, फोरहेड पे भी लगा के दिखा दी है और हिजाब के ऊपर भी लगा के दिखा दी है। आप लोगों को कोई सा भी अच्छा लगे, हिजाब गर्ल्स जो हो गई हैं तो आप वो ये चीज़ कर सकते हो। इसके बाद जो है ना मतलब शॉर्ट साइड जो हम लोगों ने लिया था इस पे वैसे ही चुने चुने बन गए जिसको हम लोग इंग्लिश में लेयर्स बोलते हैं, तो वैसे इसके ऊपर काफ़ी सारी ऐसे लेयर्स आ गई तो उसकी कोई भी एक्स्ट्रा लेयर बनाने की ज़रूरत नहीं है, हलबेल वाला काम नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ईजी ट्यूटोरियल है ये। किसी को भी शेयर करो और जो है ना अभी से प्रैक्टिस शुरू करो, ईद वाले दिन खटक खटक करके जो है ना फटाफट मतलब जो है ना अपना हिजाब इस तरह से बांध लोगे आप अपने सूट के मैचिंग के हिसाब से। और अभी बाज़ार वगैरह के भी चक्कर लग रहे होंगे तो आप लोग इस तरीके से ज्वेलरी या ब्रेसलेट वगैरह ले सकते हो, बारीक सी चेन वगैरह भी ले सकते हो, इस तरीके से आप लोग अपना जो है ना स्टाइल दे सकते हो अपने हिजाब का, इसको बहुत फैंसी बना सकते हो। तो यहाँ पर जो है ना एक लॉन्ग साइड जो था ना इसको अच्छे से कवर अप करके आएंगे और एक पिन लगा के इसको बिल्कुल से सेट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना हमारा बहुत ही एक अच्छा एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पर कि जो है ना मैंने हिजाब को कितना फैंसी और कितना स्टाइलिश बना लिया है और दुआएं दोगे। अच्छा जी ये ज़रूर आप लोग ट्राई करिएगा। तो मैं भी इस ईद पर जो है ना इस तरह का जो है समथिंग इस तरह का कुछ लुक देने वाली हूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आप लोग ईद पर क्या करने वाले हो। और जितनी भी आप लोगों के ग्रुप में लड़कियों में दोस्तों में जितनी भी रिश्तेदारों में हिजाब गर्ल्स हैं तो ये वीडियो मेरे उनके साथ शेयर करिएगा ताकि वो भी ईद पर प्यारी लगे। दूसरा ये कि ये वीडियो मतलब आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना है, वीडियो को लाइक कर लेना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो और टिकटॉक पर भी, इंस्टाग्राम पर अंबरनाज ऑफिशियल के नाम से हर जगह पर मिल जाऊँगी आपको मैं। तो फिर आप लोग मुझे दुआ में याद रखिएगा और मेरा ये अभी सूट का जो है ना फुल लुक भी मैं दिखा देती हूँ, इसके अलावा जो इंस्टाग्राम पे पोस्ट अपलोड भी कर दूंगी। तो यहाँ पर जो है ना मेरी लुक तो डन हो चुकी है। वैसे तो मेरा दुपट्टा भी काफ़ी फैंसी था और इसको अगर मैं चाहती तो अपने सर पे दुपट्टा ओढ़ सकती थी, मतलब अपने हिजाब के ऊपर ही दुपट्टा वेयर करके आप लोगों को दिखा सकती थी, लेकिन ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग क्या वेयर कर रहे हो, आपका दुपट्टा किस तरह से है। तो जो है ना सारे पिक्चर्स वगैरह मैं आप लोगों को दिखा दूंगी और इस तरीके से मैं दुपट्टा अगर चाहूँ तो ये भी इस तरीके से भी कर सकती हूँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फैंसी लगेगा और मुझे इतना ज़्यादा फैंसी नहीं करना क्योंकि वैसे भी जो मेरा ड्रेस है वो बहुत ही ज़्यादा कलियों वाला ड्रेस है। अभी आप लोगों को मैं फुल लुक दिखाती हूँ। तो ये बहुत ही खूबसूरत जो है ना मेरी फ़्रॉक थी जिसकी स्लीव्स पर भी जो है ना पूरा काम हुआ हुआ है और इसका मतलब पूरी फ्रॉक पर जो है ना कलियाँ बनी हुई थी, तो इसलिए मैंने दुपट्टे को अपने हिजाब के ऊपर नहीं रखा क्योंकि मेरे अपने हिजाब को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फैंसी और खूबसूरत बना चुकी हूं। तो आप लोगों को ये ट्यूटोरियल कैसा लगा है मुझे कमेंट्स जरूर करिएगा और मुझे बताइएगा जरूर। मेकअप कैसा लग रहा है मुझे आप लोगों ने कमेंट्स करके ये भी बताना, सब कुछ बताना है मतलब, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और एंड के मतलब वीडियो के एंड में जो है ना कुछ पिक्चर्स क्लिप वगैरह जो है आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देती हूँ कि लक कैसी रही थी पिक्चर्स वगैरह मेरी और ये ट्यूटोरियल कैसा लगा। उम्मीद करती हूँ कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी और ईद स्पेशल हर साल आता है तो बस ये है कि ईद स्पेशल आ गया हिजाब ट्यूटोरियल, तो फिर जो है ना सब्सक्राइब करके जाइएगा और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दुआ में याद रखिएगा, जब तक के लिए तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, बाय।